गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट जेवियर सेंट्रल एकेडमी कोहाना सारण। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट मैथ क्लास टू। क्लास टू के लिए है, देखेंगे। कंप्लीट द टेबल विथ नंबर्स, यानी ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल्स को कंप्लीट करना है नंबर को लिखकर। इसके अंदर यानी जो बॉक्स खाली दिख रहा है इसमें कोई हमको नंबर लिखना है और नंबर लिख करके इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने में ध्यान रखेंगे कैसे कौन सा नंबर डाले। तो आप देखेंगे पढ़ेंगे यहाँ 101 है, फिर इसी लाइन में बोल रहा है तो 114 है, 101 से 114 हुआ, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। 14 के बाद 15, फिर यहाँ दिख रहा है 16, 17, 18, 19, ऐसे करते करते क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी असेंडिंग में है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। यानी टेबल से दिख रहा है कि हमारा नंबर 1 से 1 शुरू होता है 101 से, और ये नंबर बढ़ते जा रहा है 114 हो गया, यहाँ देख रहे हैं 116 है, 127 है, 129 है, 134, 139, मतलब होता है कि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप इसको बढ़ाते क्रम में यानी असेंडिंग में अरेंज करेंगे, दिया हमारा 101 है तो क्या हो जाएगा 102, 103, इसी लाइन में चलेंगे ऐसे 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, यहां तो दिया ही है 114, हो गया 115, यहां 116, ठीक है 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 140, 141, 142, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 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
आपके बुक में जो क्वेश्चन है आपके सामने मिलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, राइट काउंटिंग, राइट काउंटिंग, काउंटिंग का स्पेलिंग CONTING, राइट काउंटिंग बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड है ना, राइट काउंटिंग बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स का मतलब पीछे की तरफ। जैसे आप नंबर लिखते हैं, जैसे आप लिख रहा है 8, तो बैकवर्ड हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बैकवर्ड का मतलब होता है कम करते जाना, जिस नंबर की बात कर रहे हैं उससे और कम होते जाएंगे, ठीक है। तो हमको बैकवर्ड जो है काउंटिंग करके लिखना है, और इसका टेबल यहां दिया रहेगा, ये आपका टेबल है, ध्यान रखेंगे इसके ही जैसा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपका नंबर क्या था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, यानी ये सेंडिंग में था, यानी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहां है बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ जाएगा, यानी कम होगा, यानी घटेगा, यानी नंबर जो होगा
छोटा होते चला जाएगा, ऐसे करके बनाना है हमको। सपोज करो कि हमें दे दिया है यहां 300, अब बैकवर्ड काउंटिंग करना है यानी कम करके, तो 300 से छोटा कौन सा होगा 299, उससे छोटा 298, उसके बाद 297, 296, कम होते जाएगा जी 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, ऐसे ही क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए टेबल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्लियर? तो आपके बुक में ये जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे टेबल जो दिखता है उसमें क्या चार फोर क्वेश्चंस है, चार क्वेश्चन को आप क्या करेंगे इस टेबल के माध्यम से, जिस टेबल दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।